नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर आपके साथ में एक टेक्निक शेयर करने वाली हूँ विश फुलफिलमेंट की। जी हाँ, अगर आप अपनी किसी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, आपकी बहुत ही अजीज इच्छा है, दिल से आप चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए, आपकी बहुत प्रयास कर लिए हैं, बहुत मेहनत कर ली है, बहुत सारे हताश हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, तो आज मैं आपके साथ में एक टेक्निक लेकर आई हूँ 5x5x5 टेक्निक। 5 ही दिनों में किसी भी इच्छा को पूरी करने की बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। अगर आप जिस तरह से मैं बताऊंगी पूरी उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, पूरे एफर्ट के साथ में अगर इस प्रोसेस को आप करेंगे तो आपकी इच्छा 5 ही दिनों में पूरी हो जाएगी। ये कोई अपवाद नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई सिर्फ एक व्यूज गेन करने की वीडियो नहीं है, ये 100% काम करती है। आप YouTube पर देख सकते हैं, कई सारी वीडियोस इस टॉपिक पर बनी है, पर आज जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ ये एक साधारण सिंपल तरीके से बता रही हूँ, तो आप इसे पूरा देखिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपके साथ में शुरू करते हैं इस प्रोसेस को कैसे करना है। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकॉन को भी हिट कर लेना क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे और फिर इतने सारी हेल्पफुल वीडियोस से आप मिस कर देंगे। चलिए स्टार्ट। क्या करना है 5x5x5 टेक्निक। यहाँ पर आपको लग गया होगा 5, तो यहाँ पर दिनों का नाम है, ठीक है। 5 दिन हमको इस प्रोसेस को करना है, और 55 क्या है ये आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिन में पूरे 24 घंटे में एक बार आपको इस प्रोसेस को करना है, करने में सिर्फ लगेंगे 10 मिनट। 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट आपको अपने लिए निकालना है इस प्रोसेस को करने के लिए। वो 10 मिनट ऐसे होना चाहिए जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, बिल्कुल शांत रहना है आपको, और ऐसा कोई 10 मिनट आप निकाल ले। वो समय कोई भी हो सकता है, सुबह का हो सकता है, शाम का हो सकता है, दिन का हो सकता है, रात का हो सकता है, कभी भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। कहां पर करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठकर करें, कमरे में बैठकर करें, आप कहीं पर भी बैठ के से कर सकते हैं, जहां पर आपको शांति महसूस होती है। आप आपके छत पर बैठ सकते हैं, आप घर में बैठ सकते हैं, आप कमरे में बैठ सकते हैं, आप अपने किचन में बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए किन किन चीजों की जरूरत लगेगी, तो इसमें आपको चाहिए एक कोरा कागज, ठीक है। कोरा कागज से यहाँ पर मतलब है आप एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है, बेस्ट रहेगा, एक कॉपी ले लीजिए, और साथ में आपको ले लेना है हरे कलर का पेन, ठीक है, ग्रीन रंग का पेन ले लेना है, एक कॉपी लेना है, साथ में ग्रीन रंग का पेन लेना है, और साथ में लेना है शांति, ठीक है। शांति मतलब ऐसा समय बिल्कुल आप जब फ्री हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, समय हमने ले लिया है, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, घर वालों को भी कह दे, अगर आपके घर में कोई सदस्य है तो उन्हें कह दे कि थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो, 10-15 मिनट मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। अब आप अकेले में बैठ जाएंगे। अकेले में बैठने के बाद में सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है, मेडिटेशन करना है, मतलब अपने दिमाग को एकाग्रचित्त करना है, ठीक है, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसे एक्टिव करना है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी टेक्निक्स होती है ये सारी सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की होती है ये प्रोसेस, ये सारी टेक्निक्स। तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए हमें कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ताकि वो जागृत हो जाए, ठीक है, फिर हम जो भी कहें वो उस चीज को मानने लग जाए, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले तो अपनी वो विश जिसको आप सबसे पहले पूरी करना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरी हो जाए, सबसे जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है वो वाली विश आप ले लें। एक बार में एक विश के लिए ही हम करेंगे, उसके बाद में जब वो पूरी हो जाएगी फिर हम नेक्स्ट विश को लेंगे, ठीक है। तो हमें एक विश हमारी ले लेना है जिसे हम सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, वो विश हमने सोच ली है, अब हमें बैठ जाना है, ठीक है। हम बैठ जाएंगे और बैठकर सबसे पहले तो गहरी सांसें लेंगे और गहरी सांसें छोड़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा दिमाग एकाग्रचित्त होगा, हम शांत अवस्था में आएंगे, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होगा। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें गहरी सांसें लेनी है, गहरी सांसें छोड़नी है, इससे हमारा दिमाग एक्टिव हो गया, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने कॉपी ली है उसमें सबसे पहले हमारे भगवान को, जिस पर हमारी सबसे ज्यादा आस्था है, उन्हें थैंक यू कहना है। थैंक यू किस बात का कहेंगे, थैंक यू इस बात का कहेंगे कि हम महसूस कर पा रहे हैं कि वो हैं, हम लिख पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सांसें ले पा रहे हैं, हम हवा में जो चीजें महसूस जो चीजें हैं उन्हें महसूस कर पा रहे हैं, इन सबके लिए हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जितना आप लिख सकते हैं, ठीक है, कम से कम 5 बार 10 बार दिल से थैंक यू लिखें, और वो थैंक यू में इतनी एनर्जी होना चाहिए, थैंक यू लिखते टाइम आपके आपको इतना मतलब अंदर से जो ग्रेटफुल होते हैं इतना ज्यादा होना चाहिए कि चेहरे पर खुशी रहे, महसूस हो कि यार थैंक यू दिल से। बस ऐसा यूं नहीं है कि सिर्फ एक मैंने बताया है तो वो काम चलाओ थैंक यू कह दिया, नहीं, दिल से महसूस करके आपको थैंक यू कहना है, ठीक है, थैंक यू लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, थैंक यू आपने मुझे जो सब कुछ दिया है इसके लिए थैंक यू, ठीक है। आप ना भी लिखें, थैंक यू तो सिर्फ लिख सकते हैं, थैंक यू लिख दे, पर जो जो चीजें हैं जिसके लिए आपको लगता है कि हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो उसके लिए आप थैंक यू फील करें, इन सब चीजों को फील करें। फिर आपकी जो इच्छा है उसे आपको लिखना है, पर कैसे लिखना है
प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ है, आप उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो इसे प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो चीज आप चाहते हैं उसे आपको ऐसे लिखना है जैसे वो आपको मिल चुकी है। ठीक है, मान लीजिए मैं आशीष से बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है। ठीक है, आपकी प्यार से रिलेटेड, आपकी जो इच्छा है उससे रिलेटेड जो भी आपके जो ख्याल है उसे आपको एक सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ कि मैं आशीष से बहुत प्यार करती हूँ, हमारी शादी हो चुकी है। आशीष से मैं बहुत प्यार करती हूँ, आशीष और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी हो चुकी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी हो चुकी है। आशीष से मैं बहुत प्यार करती हूँ, हमारी शादी हो चुकी है। ऐसा आपको लगातार 55 times लिखना है। ठीक है, 55 times लिखना है लगातार। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि एक सेंटेंस, अपनी इच्छा को लेकर एक सेंटेंस बनाएं। ठीक है, सेंटेंस जितना छोटा होगा उतने ज्यादा बार आप लिख पाएंगे, आपको लिखने में टाइम नहीं लगेगा, बोरियत महसूस नहीं होगी। ठीक है, हम एक दूसरे से, आशीष और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी हो चुकी है। ऐसा आपको लगातार 55 times लिखना है, 55 times लिखना है। ठीक है, और जितनी भी बार आप लिखेंगे इसे फील करते हुए लिखें, इसे महसूस करते हुए लिखें। मान लीजिए आप अगर जो ये टेक्निक कर रहे हैं किसी जॉब के लिए कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जॉब का नाम लिखना है और वो आपको मिल चुकी है। मान लीजिए मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर बन चुकी हूँ। ऐसा आपको 55 times लिखना है और फील करते हुए लिखना है, और लास्ट में फिर से थैंक यू भगवान, आपने मुझे सब इंस्पेक्टर बना दिया। थैंक यू भगवान, आपने मुझे आशीष को दे दिया। थैंक यू, बस ऐसा लिख के उस कॉपी को आप बंद कर लें, बंद करके कहीं पर भी छुपा दें। ठीक है, अगर आपको लगता है आप सबको बता सकते हैं तो बता भी सकते हैं, बताने में कोई परेशानी नहीं है, पर वैसे अच्छा रहेगा कि आप इसे छुपा दें। नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस आपको करनी है, सेम 55 times आपको लिखना है, 55 times चीज को लिखना है और फिर छोड़ देना। ठीक है, बस ये प्रोसेस जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद में आप जो भी करना चाहते हैं करें, अपने काम में मस्त हो जाए, मगन हो जाए। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है लगातार, सिर्फ 5 दिनों तक। ठीक है, कंटिन्यू 5 दिनों तक याद रखना है, 5 दिन लगातार करना है, बीच में गैप नहीं देना है। ठीक है, आज से शुरू किया है तो कंटिन्यू 5 दिन करें, अगर बीच में गैप हो जाती है, ठीक है, बीच में कोई दिन छूट जाता है तो वहां से उसे छोड़ दे, फिर अगली बार फिर से शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे आपको करना है, आप खुद देखेंगे अगर आप फुल एफर्मेशन के साथ में, फुल पॉजिटिविटी के साथ में, फुल विश्वास के साथ में, फुल ट्रस्ट के साथ में अगर इस प्रोसेस को करेंगे तो आपकी विश जरूर पूरी होगी और बहुत ही जल्दी पूरी होगी। आप इस प्रोसेस को कीजिए, इस टेक्निक को कीजिए। जो परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है तो मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आप मुझसे और ज्यादा हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस आपको आई बटन पर लगातार शो होती रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिए, वहां पर भी आपको लिंक्स मिलेंगे कई सारी वीडियोस के जो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।